Hello everyone, Assalamualaikum. I'm Dr. Hina Sikandar and this is our third video of the series Learn with Dr. Hina Sikandar. So if you are following my content, you would know that we have started this series on YouTube with the name Learn with Dr. Hina Sikandar, and in this series of videos, I upload videos regarding studying, reading, productivity, development and growth, and there's so many other topics like this. So our first video was how to study. Our second video was how to have a productive day. And our third video today is about how to read a newspaper. So in this video, we are going to talk about a few questions regarding newspapers. सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इससे आपने एक टॉपिक को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन, हाउ टू गिव रेफरेंसेज, न्यूज़पेपर कितना पढ़ना है, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना है, कौन सा पेज इंपॉर्टेंट है. एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरा CSS इंटरव्यू के अंदर न्यूज़पेपर रिलेटेड किस तरह के सवाल आए थे, और कितने न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ने चाहिए, और कौन सा न्यूज़पेपर सबसे बेहतर है. ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू गेट आंसर्ड इन दिस वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई टू रीड अ न्यूज़पेपर. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या अगर आप नहीं भी करें, आई स्टिल बिलीव दैट रीडिंग न्यूज़पेपर इज सच अ गुड हैबिट. आप जो भी करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, the current affairs, the things that are happening around you, they do have an impact on your life. So, अपने आप को एक बेहतर कंट्रोल में रखने के लिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द दुनिया के अंदर क्या हो रहा है. तो आपको न्यूज़पेपर, इन माई ओपिनियन, यू शुड रीड इट एवरी सिंगल डे. एंड इफ़ यू कैन नॉट रीड इट एवरी सिंगल डे, वीकली पढ़ें, मंथली पढ़ें, बल्कि अपने आप को करंट अफेयर्स के साथ आप ज़रूर कनेक्टेड रखें. On the other hand, if you are preparing for CSS or any other competitive exams, then newspaper reading is mandatory for you. अब दूसरा सवाल ये है कि हम newspaper को कितना टाइम देना चाहिए. अगर आप CSS या बाकी competitive exams की तैयारी करें तो obviously आपके पास time constraint भी होता है, थोड़ा टाइम होता है, बहुत सी चीज़ें कवर करना होते हैं. So a lot of people ask कि ये newspaper है, इसमें 10-20 pages हैं, तो क्या हम ये पूरा का पूरा newspaper पढ़ें? तो ऐसा नहीं होता. CSS or other competitive exams, they are not a measure of how much hard work you do. Basically, इसमें होता है कि आप smart work करते हुए आप किस तरह से relevant information को incorporate करते हैं अपनी तैयारी के अंदर. Another question that I get a lot is where to read the newspaper from. अब आपके पास different तरीके हैं. Of course, information revolution के पास you have information all around. आप चाहें तो printed form में subscribe कर सकते हैं, आपको वो आ जाएगा, daily आपके घर पर deliver हो जाएगा. और you can download the applications on your phone. हर newspaper की, हर publication house की एक एक application है. For example, मैं Dawn पढ़ती हूँ, तो Dawn की application जो है आप वो download कर सकते हैं और switch on कर लें उसके notifications, तो आप पढ़ते रहेंगे साथ साथ. अगर application नहीं करनी तो आप laptop खोलें, website पर जाएँ और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं. So there are so many ways that you can get the same information, but I prefer this printed form. अगर आपको इससे पढ़ना अच्छा लगता है, आप इससे पढ़ सकते हैं. अगर आपको laptop पे या phone पे पढ़ना अच्छा लगता है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं. So the most important question is how to read a newspaper. आपने इसको कितना टाइम देना होता है और किस तरह से पढ़ना होता है. अब देखें, ये 10-20 पेजेस का एक न्यूज़पेपर है. आपने इसके पहले वर्ड से लेकर आखिरी वर्ड तक पढ़ना ज़रूरी नहीं है. अगेन, न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई सही और कोई गलत तरीका नहीं है. देयर इज़ नो गोल्ड स्टैंडर्ड. आप जितना चाहते हैं उतना पढ़ें. मैं आपको सिर्फ उतना बता देती हूँ कि जो CSS रिलेटेड या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको कितना कंटेंट चाहिए, या कितना एक मिनिमम लिमिट है जितना आपने पढ़ना है. मैं जिस तरह से पढ़ती थी, मैं आपको ज़रूर वो तरीका बता देती हूँ. अगर आपको वो तरीका ठीक लगता है तो यू कैन गो अहेड, और अगर नहीं अच्छा लगता वो तरीका तो आप अपना तरीका ढूंढें. यू ट्राई डिफरेंट ways how to read a newspaper and suit yourself what is best for you. ठीक है, अब ये अब न्यूज़पेपर है, ये आज, ये कल का न्यूज़पेपर है. अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले कि मैं जो इसका ये मेट्रोपॉलिटन पेज है, मैं इसको नहीं पढ़ती. आप पढ़ना चाहते हैं ज़रूर पढ़ें, मेट्रोपॉलिटन पेज अलग कर देती हूँ. दिस इज़ द सेंट्रल पेज. इस तरह से इसके ऊपर हेडलाइंस होती हैं, मैं इन हेडलाइंस को पढ़ लेती हूँ. आई गो थ्रू ऑल ऑफ देम. अब ये हेडलाइंस पढ़ लें. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, NCOC opens vaccine registration to all people with CNICs. हेडलाइन पढ़ के मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस पूरे आर्टिकल के अंदर क्या लिखा होगा. आई नीड नॉट गो इन टू द डिटेल्स, और मैं पढ़ती भी नहीं हूँ सारी की सारी. ये पढ़ लिया एंड देन आई मूव अहेड. उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट पेजेस होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं, बट ये जो दरमियान वाला पेज है, दिस पेज इज समथिंग दैट आई रेफर टू ऑल द टाइम. फॉर एग्जाम्पल आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा वो इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पेज है, कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके न्यूज़पेपर का. एंड दिस
इज़ द वन. ये है, यहाँ पे तीन आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल होता है, यहाँ पे आगे ओपिनियन पेज होता है जिसके अंदर डिफरेंट जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो बहुत सीनियर लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अपने ओपिनियन के आर्टिकल्स लिखते हैं. दीज आर डिफरेंट वेरियस टॉपिक्स और सबको कैटर किया हुआ होता है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझसे सारे पूछते रहते हैं कि कितना टाइम देना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्ज़ाम CSS की तैयारी करें तो आपने एग्ज़ाम में ये पढ़ना तो है, उसकी तैयारी के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ना है. आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, आप शुरू से लेकर आखिर तक जाते हैं, आप कहते हैं मुझे तो एक घंटा लग गया न्यूज़पेपर पढ़ने में, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. इट्स नॉट. लेकिन अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आपने ये दो पेज जो है ये ज़रूर पढ़ने हैं और रोज़ पढ़ने हैं. उससे भी अगर आपके पास कम टाइम है और आप कहते हैं कि मेरे पूरे दिन में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट हैं, देन आई वुड रिकमेंड दैट यू रीड These three articles. इसको editorial portion कहते हैं, ये वाला बाकी opinion page होता है. आप website पर जाके या application पर भी जाके opinion या editorial वाला portion जब tab पर click करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा. अब इसमें क्या होता है, ये जो होता है this is anonymous, इस पर नाम नहीं होता लेकिन ये editor ने लिखे हुए होते हैं. अब for example there is something that is going on जो कि front pages के ऊपर लिखा हुआ है, breaking news में हर वक्त चल रहा है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक डिटेल में जाऊँ कि अच्छा फलां जगह पर क्या हुआ. ऑब्वियसली दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक एक डिटेल जो है वो पेपर में भी आपसे नहीं पूछते. आपको एक ओवरऑल आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस पहला जो लिखा हुआ है इसके ऊपर, सिंध के अंदर अभी पिछले हफ्ते एक डकैती हुई थी जिसके अंदर पुलिस इनकाउंटर भी हुआ था और कुछ हमारे जो पुलिस ऑफिशल्स थे उनकी डेथ भी हो गई थी. सो रिगार्डिंग दैट, अब मुझे इतनी डिटेल्स में उसके बारे में नहीं पता था कि कितने लोग मरे, क्या हुआ वहाँ पे, किस एग्जैक्ट जगह पे हुआ. अब ये यहाँ पे एक समराइज करके उन्होंने यहाँ पे एक स्टोरी में लिख दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों से सिंध के अंदर ऐसा हो रहा है. मतलब सिर्फ एग्जैक्ट इवेंट को पिन पॉइंट नहीं किया हुआ बल्कि एक जनरल सी बात करके उस पूरे जो इंसिडेंट है उसको भी ऐड कर दिया, उसको पास्ट के साथ भी कर दिया कनेक्ट और साथ ही एंड पे रिकमेंडेशंस भी दे दी कि इस इवेंट रिलेटेड अभी ये दुनिया में हो रहा है और ये होना चाहिए. आई थिंक कि ये जो तीन आर्टिकल्स हैं ये बहुत हेल्प करते हैं. ये डिफरेंट चीज़ें, एक तो आपको करंट अफेयर्स के साथ ये कनेक्टेड रखते हैं और दूसरा आप ये भी देख लेते हैं कि किस तरह से किसी भी सिचुएशन के अंदर आपने किस तरह कंक्लूड करना है, आपका ओपिनियन बिल्ड होना शुरू हो जाता है. सो आई फाइंड दीज थ्री आर्टिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा ये जो ओपिनियन पेज है, अगर आपके पास टाइम है तो ये ज़रूर पढ़ें. और ये दो पेजेस जो हैं आई रिकमेंड यू दीज कि अगर आपके पास पूरे दिन में 10 से 15 मिनट हैं तो ये दो पेजेस आप ज़रूर पढ़ें. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आंसर हियर इज़ हाउ टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूज़पेपर. अब आप फॉर एग्जांपल आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ा, कल पढ़ा, लेकिन आपको बातें याद नहीं रहती. फॉर दैट आई रिकमेंड माई स्टूडेंट्स कि आपने एक कॉन्टेंट रजिस्टर बनाना है. फॉर एग्जाम्पल यू गेट अ रजिस्टर और आप रख लें उसको, उस पर और कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ न्यूज़पेपर से रिलेटेड उसके अंदर बातें लिखनी. फॉर एग्ज़ाम्पल अब उसके बाद आपने वो आर्टिकल पढ़ लिया, सिंध से रिलेटेड जो आर्टिकल लगा, आपने उससे जो एक्सट्रैक्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे होंगे कि पिछले 10 सालों के अंदर सिंध के अंदर कितनी डकैतीज हुई हैं और कितने पुलिस इनकाउंटर्स हुए, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑथेंटिक आ जाएगी. आप वो इन्फॉर्मेशन अपने कॉन्टेंट रजिस्टर पर रख लें और उसको आप कैटेगराइज करें. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डोमेस्टिक इशूज़, पाकिस्तान के डोमेस्टिक इशूज़ से रिलेटेड कोई बात है तो आप ऊपर लिखें पाकिस्तान डोमेस्टिक इशूज़ और वहाँ पे आप वो लिखते हैं कि जिस सिंध के अंदर ये हुआ था और उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, आपके पास एक रेफरेंस आ गया. फॉर एग्जाम्पल उसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल है दैट इज़ एसेट्स अनफ्रोजन. अब आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस VIA के कुछ जो अपनी प्रॉपर्टी है वो फ्रीज हुई हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर, पेरिस के अंदर. अब आपको अगर इसकी डिटेल्स नहीं पता थी लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे जो एक इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर हमारा जो मामला चल रहा था उससे रिलेटेड अगर आपने यहाँ से कोई चीज़, यहाँ पे कोई आर्टिकल पढ़ लिया, यहाँ पे कोई रेफरेंस पढ़ लिया तो आप अपना कंटेंट रजिस्टर खोलेंगे और वहाँ पे जो इंटरनेशनल आपके डिस्प्यूट्स हैं उससे रिलेटेड जाके आप वहाँ पे लिख देंगे. इससे क्या होगा, शुरू शुरू में आपको मुश्किल होगी, आपको समझ नहीं आएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी, लेकिन गिव योरसेल्फ टाइम. आप अपने आप को एक महीना दें, एक महीना आप 30 दिन बिल्कुल इस चीज़ को रेगुलरली फॉलो करें एंड देन यू सी योर कंटेंट रजिस्टर वो किस तरह फिलअप होना शुरू हो जाएगा, आपका कंटेंट क्रिएट होता जाएगा और आपके हर सब्जेक्ट के अंदर आपको आसानी हो जाएगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई न्यूज़पेपर रीडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर CSS. अब आपको ये पता है कि CSS के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस सब के अंदर आपको कांस्टेंट अपडेटेड करंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. अब आप कितना भी पढ़ लेंगे जब आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन दो पेजेस में या जनरली इन 10 पेजेस के अंदर मिल जाती है सो व्हाई वुड यू गो हियर एंड देयर.
आपने क्या करना है कि इसी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये सारा जो आपका कंटेंट रजिस्टर बन रहा है, ये सारी चीज़ें जो आप ऐड ऑन किए जाने अपने दिमाग में, अपने न्यूज़पेपर्स से, अपने रजिस्टर के अंदर, ये सारी बातें आपको हेल्प करेंगी सब सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जांपल ऐसे कोई आ जाता है तो उस ऐसे के अंदर आप ये रेफरेंसेस डाल सकते हैं। इंग्लिश प्रेसी की तैयारी किस तरह से करनी है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। करंट अफेयर्स के अंदर हेल्प करता है, पाकिस्तान अफेयर्स में हेल्प करता है, पॉलिटिकल साइंस, इवन इस्लामियत रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, जैसे अभी हमने PIA का केस पढ़ा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी रेफरेंसेज दैट यू कैन गेट फ्रॉम योर न्यूज़पेपर एंड इट हेल्प्स यू ट्रिमेंडसली इन योर प्रिपरेशन। Another question that I get from my students is that how to make our newspaper reading beneficial for English. अब उसके लिए क्या होता है कि एक तो न्यूज़पेपर की वोकेबलरी जो है वो आपने देखना होता है। शुरू शुरू में आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो कई दफ़ा आपको समझ ही नहीं आती कुछ वर्ड्स की। सो ऐसा नहीं कि आप एक एक वर्ड को खोलें कि अच्छा इस वर्ड का मुझे मतलब नहीं पता, मैं पहले डिक्शनरी खोलूँ, फिर उसका मतलब देखूँ, फिर यहाँ लिखूँ, थोड़ा बर्डनसम काम हो जाता है। सो जस्ट गो विद द फ्लो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में जब पढ़ते हैं उस वर्ड को, तो आपको समझ आना शुरू हो जाती है। सो आई वुड रिकमेंड कि आपको अगर कुछ ऐसे चंक्स ऑफ वर्ड्स हैं वोकेबलरी के जो आपको लगता है दे आर बेनिफिशियल फॉर योर वोकेबलरी, तो आप उनको याद करें। लेकिन मैं जो किस तरह से करती थी कि मैं एक या दो वर्ड्स ही न्यूज़पेपर से रोज़ याद करती थी जो कि मुझे लगता था दे आर गुड इनफ, और जिनका मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा, कॉन्टेक्स्ट में भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है। ज़्यादा वर्ड्स अगर करते हैं तो फिर आपको वो ऑब्वियसली वो बर्डनसम काम हो जाता है और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो वोकेबलरी आपकी इंक्रीज हो गई न्यूज़पेपर से। सेकंड थिंग व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि आप प्रेसी की तैयारी जो है वो भी न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई डिड। अब प्रेसी क्या होता है, दिस इज़ आवर सेकंड एग्जाम ऑफ इंग्लिश इन CSS, इट्स अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन। उसके अंदर प्रेसी होता है कि आप, प्रेसी का मतलब ये है कि आपने एक पूरे आर्टिकल को 30% में समराइज करना है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अब फॉर एग्जाम्पल दिस एंटी पुअर बेल, मैंने इसको पूरा पढ़ा, जितनी दफ़ा नहीं समझ आया उतनी दफ़ा पढ़ा, और जब मुझे इसकी समझ आ गई, इसके मैंने वर्ड्स को काउंट किया, उसको 1/3 किया, और उसका 30% जो मेरा 1/3 हो गया ना, उतने वर्ड काउंट के अंदर मैं इसको समराइज करके लिखूंगी। दैट्स व्हाट प्रेसी इज। तो प्रेसी के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि हम कहाँ से प्रिपेयर करें, तो न्यूज़पेपर इज़ योर बेस्ट ऑप्शन। तीसरी बात, हाउ यू कैन प्रिपेयर योर इंग्लिश फ्रॉम प्रेसी, दैट इज़ कि आपने इसको जब आप कंटिन्यूसली रीड करेंगे, देन यू विल रियलाइज हाउ गुड these editorials, these opinion pages are. Articles इतने अच्छे लिखे होते हैं, आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू करें, रिटन एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना शुरू करें कि सारे ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे जर्नलिस्ट किस तरह से लिखते हैं। यू विल नोटिस कि किस तरह वो एक ड्रामेटिक स्टार्ट देते हैं, फिर बॉडी को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं पूरे रेफरेंसेस के साथ, और एंड पे अपनी बात को कंक्लूड किस खूबसूरती से करते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व दैट, इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। So there is one incident that I want to share with you guys that happened with me in my final CSS interview. मैंने अपने, obviously पहले हमारे पास एक चार्ट आता है जिसमें आपने अपनी हॉबीज वगैरह लिखनी होती हैं, आपने अपना पूरा एक परफॉर्मा फिल करना होता है। उसके अंदर मैंने लिख दिया था कि माई हैबिट, माई हॉबी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर्स। सो वन आई एंटर्ड इन माई एग्जाम, जो हमारा इंटरव्यू था, वहाँ पे मैडम सेठी थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? मैंने कहा जी मुझे बहुत शौक है, मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ती हूँ। उन्होंने मुझे एक राइटर का नाम बोला जो जर्नलिस्ट है, और उन्होंने कहा कि बताएं वो किस बारे में लिखते हैं। एंड आई वॉज ब्लैंक, क्योंकि मेरी एक गलती ये हो गई थी कि जब मैं ये आर्टिकल्स पढ़ती थी मैं राइटर का नाम नहीं पढ़ती थी, मैं सिर्फ आर्टिकल पढ़ती थी, क्योंकि मेरा ज़रा जो फोकस था वो ये था कि मैं ये देख लूँ इसके अंदर क्या लिखा है और उसको किस तरह से मैं अपने कॉन्टेंट पर इनकॉपरेट कर सकती हूँ। आई स्किप्ड राइटर्स नेम अल टुगेदर, और ये मेरा एक सवाल वहाँ पे मिस भी हो गया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि फ़लाँ जो राइटर है, फ़लाँ जर्नलिस्ट जो है, वो किस बारे में ज़्यादा लिखते हैं, और ऑब्वियसली कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं, स्पेसिफिक फोकस होता है, टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में हर जर्नलिस्ट लिखता है, जिस पे वो एक्सपर्ट होते हैं। आई डिड नॉट नो दैट। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड टू यू गाइज़ कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, ये ओपिनियन पेजेस पढ़ें, ओपिनियन के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो पढ़ें, तो मेक श्योर दैट यू रीड द नेम्स ऑफ राइटर्स। सो द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू कैटर हियर इज़ हाउ मेनी न्यूज़पेपर्स आर इनफ। माई आंसर वुड बी वन इज इनफ। ये जो मैंने आपको सारी बातें इस वीडियो के अंदर बताई हैं, दैट इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया। इतना तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अब आपको मैंने क्या बोला है, मैंने सिर्फ ये बोला है कि आपने ये तीन आर्टिकल्स पढ़ने हैं और ये चार ओपिनियन पेजेस के आर्टिकल्स पढ़ने हैं। दिस इज़ योर मिनिमम क्राइटेरिया फॉर एवरी डे। अब ज़्यादा तो आप कितना भी पढ़ सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल इन माई CSS इंटरव्यू, उसी दिन वहाँ पे किसी और बंदे का भी था, और उन्होंने इंटरव्यू डे पे आके, हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि मैं तो 6 डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, मैं चाइनीज़ भी पढ़ता हूँ, मैं रशियन भी पढ़ता हूँ, मैं फॉरेन वाला भी पढ़ता हूँ, मैं डिप्लोमेट भी पढ़ता हूँ, और मैं पता नहीं कितने कितने न्यूज़पेपर्स के उन्होंने नाम बोले भी, और कुछ तो ऐसे थे जिनका मुझे पता भी नहीं था।
तो ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ एक मिनिमम क्राइटेरिया आपके पास इतना है, मैक्सिमम तो आप जितना मर्जी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड कोई चीज़ें ज़्यादा पसंद है, आपका फोकस उधर है, आपको लगता है वो आप अपने कॉन्टेंट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो फॉरेन अफेयर्स एंड डिप्लोमैट, द नेशन इज़ नाइस, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑल ऑफ दीज आर गुड इनाफ। आप इनमें से कोई भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं इनको, या आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके पढ़ सकते हैं, ऑल ऑफ दीज आर गुड इनाफ। अब आपने ये देखना है कि आपको किसका राइटिंग स्टाइल पसंद आता है, आप किसको ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने कॉन्टेंट के अंदर, दैट इज़ ऑल अप टू यू, एज एवरीथिंग इज सो सब्जेक्टिव, सो इज़ दिस। So this is how I would recommend that you guys read your newspaper for CSS, not for CSS. I hope इस वीडियो से आपको समझ आया हो कि किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना है। I know कि थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन I wanted to incorporate all the details, और जिस तरह से मैं पढ़ती हूँ मैं आपको ज़रूर सिखाना चाहती थी। I hope कि आपको ये helpful लगे। And this was our third video of the series Learn with Dr. Hina Sikandar. If you are enjoying this and if you want me to incorporate more study related, reading related, growth, productivity related topics, then you can put them in the comment section and I will try to get back to you with that topic in a new video. Thank you.